हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने न्यूटन के पहले नियम के बारे में जाना था पूरे विस्तार से, और आज हम जानेंगे न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। किसी पिंड पर लगने वाले आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। तो हम इसमें भी लिख लेते हैं, और इसका उदाहरण जो होता है, अगर कोई एक पेड़ है, सपोजली एक पेड़, उसमें पके हुए फल है, अगर हम पेड़ को हिलाएंगे तो पके हुए फल नीचे गिरेंगे, ये इसके उदाहरण है। तो हम लिखते हैं, पहले हम ये भी समझ लेते हैं, किसी किसी पिंड पर लगने वाले आरोपित बल, ये क्या है, एफ है। किसी पिंड पर लगने वाले आरोपित बल संवेग परिवर्तन, इसमें बोला है संवेग परिवर्तन। हमारा जो वेग है, मतलब हमारा जो संवेग है, संवेग हमारा पी है, पी है, तो ये संवेग, संवेग की हमारा जो परिभाषा है वो क्या है, वेग परिवर्तन के नहीं, संवेग जो हमारा होता है ये क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो ये संवेग हो गया। अगर संवेग में परिवर्तन हम जब करेंगे तो इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल्टा लगा देंगे, ये संवेग में परिवर्तन हो गया। तो इसमें क्या कहा गया है, किसी पिंड पर लगने वाले आरोपित बल संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। दर मतलब टी, इसमें यही बोला गया है, संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है, संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यानी हम इसको हम एम ए भी लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया कि इसको क्या लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम ये ऊपर हम लिख लेते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम, दूसरा नियम हम आपको बहुत ही आसानी, जैसे बहुत ही आसानी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको भी कोई वो याद करने में कोई दिक्कत ना हो, आपको आसानी से याद हो जाए, इसीलिए हम बहुत ही आसानी से आपको समझाते हैं। किसी पिंड पर लगने वाले आरोपित बल, किसी पिंड पर लगने वाले आरोपित बल, आरोपित बल संवेग परिवर्तन परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो आपने क्या समझा, किसी पिंड पर लगने वाले आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। किसी पिंड पर लगने वाले आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है, यही मैंने यहाँ पे भी वही लिखा। तो ये जो हमारा संवेग होता है, संवेग किसे कहते हैं, हम द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ये भी हमने आपको पूरा डिटेल से बताया, और इसका उदाहरण लिख देते हैं। अब हम उदाहरण,
जब कोई जो पेड़ होगा, पेड़ में अगर पके हुए फल, हम पेड़ को हिलाए तो हम आसान भाषा में लिखने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। हम पेड़ को हिलाए तो पके हुए फल नीचे गिर जाते हैं। है ये जो है, ये इसका उदाहरण है। तो आपने क्या जाना न्यूटन के दूसरे नियम में, किसी पिंड पर लगने वाले आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। और इसके उदाहरण है, हम अगर किसी पेड़ को हिलाए, उसमें पके हुए फल होंगे, जो पके हुए फल होंगे वो नीचे गिर जाते हैं, ये इसके उदाहरण है। और मैंने इसमें भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया कि कैसे क्या होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगा होगा क्योंकि हमने बहुत ही आसान शब्दों में आपको इसमें बताया कि किसमें क्या होता है कि नहीं। तो इसी के साथ आज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ऐसी मज़ेदार वीडियो हम लाते रहेंगे। और इससे जो दूसरा भी तीसरा वीडियो होगा वो हमारा रहेगा न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसी के साथ हम चलते हैं। नमस्ते दोस्तों।